मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे। आज YCMIU मुंबई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र की जितनी यूनिवर्सिटी हैं सबसे जुड़ी हुई, भारतवर्ष की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप रियली फॉरवर्ड करके अपने लिए उनके लिए अच्छा महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको ATKT के बारे में बताऊंगा और रिज़ल्ट कब आएगा ये बताऊंगा और एग्ज़ाम की मार्किंग सिस्टम के बारे में अपने विचार दूंगा मैं। जिनको ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे प्रेडिक्शंस भी इसमें शामिल रहेंगे। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, तभी मैं आपके कमेंट के आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि कमेंट की संख्या हज़ारों में चली जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आज यूनिक क्या बताऊंगा। यूनिक ये है कि मित्रों, 1975 से 1977 21 महीने का इमरजेंसी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विशेष कारणों से भारतवर्ष में लगाया था। यह इमरजेंसी संभवतः भारत की पहली इमरजेंसी थी जिसमें 21 महीने तक सभी नागरिकों को उस इमरजेंसी का पालन करना था। तो उस समय भी विद्यार्थियों को ऐसे ही संकट से जूझना पड़ा था। उस इमरजेंसी में क्या हुआ, उस इमरजेंसी का लाभ हानि बच्चों को कैसा भुगतना पड़ा, उसके बारे में बता दूं आपको। सबसे पहले जान लो, उस समय भी बच्चों को ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। और 75 से 77 के बीच जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे, उनका रिजल्ट कैसे दिया गया, ये सब डिटेल मैं लिंक दे दे रहा हूँ वीडियो में, जाके देख लेना। इस पर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ऐसे संकट और भी आ चुके हैं। यह पहली बार नहीं है भारत देश में, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, सभी समस्याओं से निकलना जानते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं, हम सभी भारत माँ की पूजा करते हैं और हमें नया रास्ता मिलेगा। एक वर्ष दो वर्ष में फर्क पड़ता है, लेकिन जीवन नहीं रुकता है। जीवन बहुत बड़ा है, हम आगे बहुत बड़ा काम करेंगे। हमारे अंदर आत्मबल, विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और शिक्षा जो हम कर रहे हैं, इसी की शक्ति से हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स दो धड़ों में विभाजित हो गया है। पहला गुट जो है वो ये कहता है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरे सारे ATKT क्लियर हैं। दूसरा गुट जो है, मैं तो एग्ज़ाम दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और मैं अच्छे मार्क ला के रखूँगा। अब जो पहले गुट के बच्चे जो कह रहे हैं, नहीं मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरा रिजल्ट आने दो, ऐसे बच्चे डर भी रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसकी लिंक मैं दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ लेना। और उसमें ये जो रिसर्च आया है, जो पेपर का ये जो आर्टिकल है, वो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ और उसके आधार पे क्या निर्णय होने वाला है। क्योंकि चार दिन के अंदर ही माननीय उच्च शिक्षा मंत्री साहब ने कहा था कि मैं ATKT से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। तो अब चार दिन भी धीरे धीरे बीतने वाला है, इस वीकेंड तक उत्तर आ जाना चाहिए। मेरा तो प्रेडिक्शन है 30 जून तक उत्तर आएगा और जुलाई में सारी प्रक्रियाएँ होंगी। अगर एग्ज़ाम किसी को लेना भी या कोई चांस है जो अपने मन से लिख करके दे रहे हैं, नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, उनका एग्ज़ाम भी जुलाई एंड या अगस्त में होगा और रिज़ल्ट जो है जाते जाते सितंबर आ ही जाएगा। क्योंकि सभी के रिज़ल्ट, चाहे बिना एग्ज़ाम वाले बच्चे हों चाहे एग्ज़ाम वाले बच्चे हों, सबका रिज़ल्ट सितंबर में संभावित है। अब आते हैं, कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि जब मैं परीक्षा नहीं दूंगा तो मेरे परीक्षा पत्र पर लिख करके, रिज़ल्ट पर लिख करके आ जाएगा कि COVID-19 की शर्त के तहत आप पास हुए। तो बच्चे जो है डर रहे हैं, ऐसा आपका न्यूज़पेपर कह रहा है। तो कुछ बच्चे वो भी चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर करूं, भले एक दो पेपर रह भी जाते हैं तो भी मैं बाद में ATKT का एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा। अर्थात ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, ATKT अर्थात आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप फेल हो चुके हैं, इसलिए आपको ATKT में अपीयर होना पड़ता है। ऐसा शिक्षा की नीति शिक्षाविद मानते हैं और जिनके सब ATKT क्लियर हैं, सब कुछ अच्छा है, उनको ही कोविड के नियम के तहत पास किया जाएगा। तो निर्णय आप तक है। कुछ शिक्षाविद तो इतना कह रहे हैं, दो गुट बंद बनाओ, एक ही गुट बना लो, पास एवरीवन, सबको पासिंग का सर्टिफिकेट दे दो। हाँ, जिनको ग्रेड सिस्टम बढ़ाना है, अपनी मार्किंग सिस्टम बढ़ानी है, जो कुछ करना है ATKT क्लियर करने, उनको बाद में समय दिया जाए दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर में, तो वह भी एक पक्ष खुला हुआ है। तो शिक्षाविदों का मानना है, अभी मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री पुनः विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उनके रिजल्ट आने के बाद जब ये जो दो निर्णय हुआ कि जो एग्ज़ाम देना चाहे दें, जो नहीं देना चाहे नहीं दें, लेकिन ATKT को लेकर के
इन सब चीज़ को लेकर अभी हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ नहीं कहा है, संभवतः वो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन निर्णय बच्चों के हित में होगा। जो निर्णय आया है उससे सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन अगर निर्णय काश यह होता कि सभी बच्चों को कोविड 19 की महामारी के कारण पास किया जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता, विश्वास करिए आप। लेकिन अब बच्चों में भी दो निर्णय बन गया, मैं एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं हम यह रिजल्ट लेकर के आए। एक शिक्षाविद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि क्या हमने विश्व के अन्य यूनिवर्सिटीज या बड़ी बड़े कंपनी से हमने पूछा है कि ऐसे बच्चों को क्या होगा। कुछ तक ने तो यहाँ कह दिया कि ऐसे बच्चे जब जाएंगे तो हो सकता है उनका, क्योंकि 75 से 77 में जो हुआ, ऐसे बच्चे जब कभी एग्ज़ाम जाते थे नौकरी के लिए तो उनसे एक फिर से एक रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू एक वाइवा अलग से होता था हर प्रोसेस के अलावा। इसलिए शिक्षाविदों का मानना है कि इस पर एक स्ट्रिक्ट, एक अच्छा, एक बढ़िया निर्णय आ जाए जिससे सभी स्टूडेंट एक समान, एक तराजू में रख करके निर्णय पा जाए। तो मित्रों यही रही मेरी बात, फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं, अभी भी हमें ATKT का डेट नहीं पता चला या ATKT देना है नहीं देना नहीं पता चला, लेकिन मेरा मानना है कि ATKT देना पड़ेगा। रही बात रिजल्ट की, तो सितंबर में आएगा रिजल्ट, क्योंकि जुलाई तक पूरा सिस्टम करने में चला जाएगा। जून बीत ही गया देखते देखते। वीडियो आप मित्रों को शेयर कर दीजिए और देख लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात मार्किंग सिस्टम की, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्किंग इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के आधार पर है, लेकिन TY का मार्किंग सिस्टम अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है। यदि आपको और कुछ पता चले तो लिंक में कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।